हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इमली के आलू, यानी इमली के आलू की रेसिपी। ये सब्जी है और ये बहुत टेस्टी लगती है अगर आप पूड़ी और पराठे के साथ खाएं तो। आइए चलिए देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। जैसा कि आपको पता है आज हम बनाने जा रहे हैं इमली वाले आलू की सब्जी, तो देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये छोटे वाले आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है और ये 250 ग्राम है। और ये इमली है, इमली का मैंने रस निकाल लिया है। और ये टमाटर है, यानी एक छोटा टमाटर, इसको मैंने बारीक काट लिया है। एक ही प्याज है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। अब आइए मसाले में देख लेते हैं फ्रेंड्स। उसके लिए हमें मसाले चाहिए। सबसे पहले हमें हल्दी पाउडर चाहिए, फिर ये लाल मिर्ची पाउडर है, ये नमक है, ये धनिया पाउडर है, ये मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, ये एक से दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, ये चाट मसाला है, ये जीरा है और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। आइए चलिए अब इसको बनाते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने आलू ले लिए हैं, अब इसके अंदर मैं मसाले मिलाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, तो मैं एक तिहाई छोटी चम्मच डाल रही हूँ, ये देखिए। और फिर उसके बाद ये मैंने नमक लिया है और ये हल्दी पाउडर एक तिहाई छोटी चम्मच ही लिया है मैंने, और ये धनिया पाउडर। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी, ये देखिए। आप चम्मच से कर ले या जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे कर ले। फ्रेंड्स ये देखिए, इसके ऊपर ये मसाले कोट हो चुके हैं। तो चलिए अब गैस की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें एक छोटी चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब मैं ऑयल को अच्छे से गर्म होने दूंगी, गैस मैंने ऑन कर दी है। फ्रेंड्स देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं इस तरीके से इसके अंदर ये आलू डाल दूंगी। ये देखिए, आप ऐसे डालें या चम्मच से डालें जैसे भी आपको ठीक लगे, ये देखिए। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने आलू इसके अंदर डाल दिए और इनको मैं जब तक भूनूंगी, यानी जब तक ये ऑयल में करूंगी जब तक इनके ऊपर एक सुनहरी कोट नहीं आ जाए। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं इसको इसी तरीके से चलाते हुए पकाऊंगी, यानी 5 मिनट पकाऊंगी, फिर इसके ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर आ जाएगी। फ्रेंड्स ये देखिए, आलू पर एक लेयर आ चुकी है, यानी क्रिस्पी लेयर आ गई है। तो ये देखिए, ये बन चुके हैं। तो अब मैं इनको गैस बंद करूंगी और इनको एक प्लेट में निकाल लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने वापस से वही पैन ले लिया है जिसमें मैंने आलू करे थे। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और डाल देती हूँ, अगर आपका ऑयल ज्यादा है तो आप ना डालें। ये देखिए, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब मैं इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी। फ्रेंड्स ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर मैं एक छोटी चम्मच ये जीरा डाल रही हूँ, फिर उसके बाद ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ये बारीक कटा हुआ प्याज, और इनको अच्छे से मिक्स करूंगी और प्याज को जब तक भूनूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्रेंड्स ये देखिए, प्याज हमारे पक चुके हैं थोड़े से, तो अब इसके अंदर मैं अदरक और ये लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। टमाटर हमारे पक चुके हैं, तब इसके अंदर मैं एक बड़ी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं, और एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटी चम्मच चाट मसाला। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और सिर्फ एक मिनट के लिए पकाऊंगी। मसाले हमारे पक चुके हैं, तब इसके अंदर मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसको एक मिनट के लिए मैं पकाऊंगी। फ्रेंड्स पानी हमारा बॉईल हो चुका है, जो मैंने पानी ऐड करा था, तो अब इसमें मैं इमली का रस डाल रही हूँ। ये मैंने भिगो के रख दी थी और इसको छान के इसका रस निकाल लिया। तो ये देखिए, मैं 4 चम्मच डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, आपको कितना खट्टा चाहिए। और मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं कम या ज्यादा। और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी इसके अंदर,
अब ये देखिए पानी पक चुका है हमारा अच्छे से, तो अब इसके अंदर ये मैं आलू डाल दूंगी और इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाऊंगी इसके साथ। और ये हमारी यम्मी सी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसको पूरी और या पराठे के साथ खाएं तो ये बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बन चुकी है, तो मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसको गर्मा गर्म मैं सर्व करूंगी। तो ये धनिया पत्ती डाल रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी आलू और इमली की सब्जी। अगर आपको मेरी आलू और इमली की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको ये कैसी लगी। और ये पूड़ी और पराठे के साथ तो बहुत टेस्टी लगती है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करें।